ब्रिज और ब्रिज सीधा घुस रहा है टनल के अंदर। ये देखिए पूरा का पूरा ब्लास्टिंग जोन। फर्स्ट राउंड ऑफ पिज्जा जला दिया था, उसको चेंज करने के लिए बोले। सेकंड राउंड भी वैसे ही जला हुआ था। सो आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 1 month इन दिस रूम, अभी टाइम आ गया है अपने ट्रिप में आगे बढ़ने के लिए। लास्ट ईयर बरोड वैली में भी 1 month रुके थे, लेकिन वो रूम के साथ इतना लगाव नहीं हुआ था जितना इस रूम के साथ हो गया, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने लगभग अपना घर जैसा ही बसा के रखे थे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रुक के ऋषिकेश में। चलिए खैर, दिस इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी, कभी दिल टूटता है फिर आगे बढ़ के जुड़ भी जाता है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई अपना पैकिंग वगैरह हो गया है एंड आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 1 month इन ऋषिकेश, अभी टाइम आ गया है आगे बढ़ने के लिए टूवर्ड्स हिमाचल। सो हे गाइस, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वॉचिंग वंडरलॉस्ट ऑन व्हील, और एक कम्प्लीटली न्यू सीरीज में आपका स्वागत है। ये साइड में देखिए, गंगा नहर में पानी के ऊपर कैसा एक फॉग का परत बैठ गया है, पूरा एक लेयर बैठा हुआ है, डेंस लेयर फॉग क्या है, पूरा धुआं धुआं हो गया है पानी के ऊपर। तो दूर से ही पावन नगरी हरिद्वार को नमन करते हुए उत्तराखंड का सफरनामा हमारा यहीं पे कंक्लूड करते हैं और आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स मनाली। जब ऋषिकेश पहुंचे थे तो मैं ट्रिप मीटर को रिसेट किया था और बद्रीनाथ केदारनाथ एंड गंगोत्री कवर करने के लिए हमें लग गया 1580 किलोमीटर। अभी फिर से रिसेट करते हैं और देखते हैं आगे और कितना किलोमीटर कवर करते हैं हमारा इंडिविजुअल जर्नी पर। नाउ आफ्टर ड्राइविंग फॉर ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर, इको स्पोर्ट का माइलेज देखिए 24.8, जबरदस्त। और ऐसा नहीं कि मैं 50-60 के स्पीड में चला रहा हूँ, आराम से 80-90 वही बगा रहा हूँ गाड़ी को, क्योंकि रोड्स देखिए कैसा है। ये देखो बीच हाईवे कैसे ब्लॉक करके रखे हैं। हरिद्वार से आगे बढ़ने के बाद जब से हम लोग ये चंडीगढ़ अम्बाला और पंचकुला वाला हाईवे ज्वाइन किए है ना, खाली मेरे गाड़ी में क्रूज कंट्रोल नहीं है, नहीं तो आराम से इधर क्रूज लगा लो 80 पे और आराम से भगाते जाओ, क्योंकि एक तो ट्रैफिक कम है और हाईवे मक्खन जैसा हाईवे है। When you are low on budget, but आपको चाहिए Hilux और Isuzu, ये देखिए खुद का Hilux बनाई है। Hilux 800 मस्त है। मारुति सुजुकी अभी टोयोटा के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है ना, तो ये देखिए 800 प्लस टोयोटा का नया 800 Hilux। तो उत्तराखंड से ड्राइव करते हुए हम अभी पहुंच गए हैं पंचकुला। पंचकुला के साथ हमारा अच्छा खासा मेमोरी जुड़ा है। लास्ट ईयर हम इधर 2 हफ्ते रुके थे पंचकुला में। ये सब रोड्स मतलब ऐसा नॉस्टैल्जिक वाला फीलिंग्स दे रहा है। यही हाईवे होते हुए हम लोग बार बार जा रहे थे चंडीगढ़ मार्केट वगैरह घूमने के लिए। तो देखते हैं बैंगलोर वापस जाने के टाइम अगर मौका मिलता है तो पंचकुला में 2-3 दिन स्पेंड करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स कर्नाटका। आई लव पंचकुला। इसका साइनेज, अरे यार पेड़ आ गए। ये पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर एंटर करते ही ऐसा वाला आपको साइनेज और एक बड़ा सा गोल चौक दिख जाएगा। तो अब हम लोग ड्राइव कर रहे हैं चंडीगढ़ सिटी के अंदर। वैसे तो और एक रास्ता था बद्दी होते हुए जाने के लिए, लेकिन एनी को मन था कि चंडीगढ़ सिटी घूमना है। पिछले बार जब हम लोग आए थे ना, उसके बाद से एनी का फेवरेट सिटी बन गया है चंडीगढ़, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये देख रहे हैं स्पीड कैमरा, हर चौराहे हर नुक्कड़ पर स्पीड कैमरा, हल्का सा एक्सीलेटर बड़ा कि आपका चालन हो जाएगा। चंडीगढ़ सिटी के अंदर घूमने के लिए इतना अच्छा लगता है ना, देखिए कितना नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेन चौड़े सड़क, इसीलिए यहाँ पे स्पीड लिमिट को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, नहीं तो यहाँ पे भगाएंगे लोग फिर। तो स्पीड लिमिट मैक्स टू मैक्स है 60 km/h, और जो रेगुलर स्पीड लिमिट यहाँ पे है वो है 50 का, और ये देखिए जैसे इस जगह पर 30, ऐसा तो आपको स्पीड लिमिट्स बहुत ही ध्यान में रखकर चंडीगढ़ सिटी के अंदर ड्राइव करना रहेगा। मैं ना अपना पैंडा का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कभी ये डिजिटल स्पीड मीटर ऑन नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे ही चंडीगढ़ में एंटर किया तो ऑन कर दिया। लास्ट ईयर भी बिल्कुल ऐसे ही डिजिटल ऑडोमीटर ऑन करके ही चला रहा था, क्योंकि इसमें ना आपको पता चलता है कि आपका स्पीड कितना है इंस्टेड ऑफ दैट एनालॉग वन। तो सुबह हम लोग स्टार्ट किए उत्तराखंड से, उसके बाद एंट्री लिए हरियाणा, हरियाणा के बाद चंडीगढ़, और अभी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं पंजाब। तो सुबह से लेकर यह हमारा 3रा नंबर स्टेट है, और कुछ किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम लोग 4थे नंबर स्टेट पे एंट्री
एंटर कर जाएंगे जो कि है हिमाचल प्रदेश। पंजाब फेमस है खेती के लिए, और हाईवे के साइड में ना जिधर भी आप लोग आंख फेरोगे बड़े बड़े खेत खलियान आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे। अभी हमारा पैंडा पंजाब के हाईवे में भाग रहा है। हम लोग ना डिलिबरेटली हाईवे से एक डिटूर लिए देखने के लिए कि पंजाब के गांव कैसे दिखते हैं। यार बहुत मजा आ रहा है, ऐसे फिल्मों में जो दिखाता है ना पंजाब के गांव, बिल्कुल वैसे ही का वैसा ही है, सुना है। बहुत मस्त लग रहा है कंट्री साइड अब पंजाब में ड्राइव करने के लिए। भाई मैं जो बोलता रहता हूँ ना, यही ब्यूटी है, यही चार्म है रोड ट्रिप्स का, कि आपको जैसा मन करे आप वैसे जा सकते हो। ये छोटी वाली कोठी, कोठी देखना है तो चंडीगढ़ में घूमना चाहिए, बड़े बड़े कोठी। ये देखिए पूरा वीरजारा मूवी सेट की तरह दिख रहा है। हम मेन हाईवे से अभी डाइवर्जन लेते हुए राइट हैंड साइड गए, और यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रिज नजर में आ रहा है, और सामने की तरफ देखेंगे तो बड़े बड़े पहाड़। फिर से वी आर बैक इनटू माउंटेन। सुबह से 280 किलोमीटर चला चुके हैं, और ये देखिए कर्वी रोड स्टार्ट हो गए। रास्ते पर कई सारे ढाबा दिखे हमें, लेकिन एनी को खाना था कुछ जंक फूड, तो अभी आके पहुंच गए यहाँ। आई लव पिज्जा। ये कौन सा है? अल्विन पिज्जा। और ये सामने ओ उस तरफ पहाड़ दिखना चालू हो गया है। आ गया एनी का जंक फूड पिज्जा। पिज्जा पिज्जा को जंक फूड नहीं बोलते हैं यार। पिज्जा विद कोक एंड केचप, अब जाएगा ये पेट के अंदर। भाई एक तो इतना टाइम लिया ये पिज्जा बनाने में, हमारा ऑलमोस्ट डेढ़ घंटा खराब कर दिया यहाँ पे। फर्स्ट राउंड ऑफ पिज्जा जला दिया था, उसको चेंज करने के लिए बोले। सेकंड राउंड भी वैसे ही जला हुआ था। तो भैया अगर आप इस रूट में ट्रैवल कर रहे हो एंड सोच रहे हो कि पिज्जा खाने के लिए, मत आना यहाँ पे हेल्विन पिज्जा। हेल्विन क्या हुआ? नहीं हेल्विन हेल्विन पिज्जा बोल रही है हेल्विन को। चलो जी हम फिर से आ गए वादियों में, पहाड़ों पर, और इस बार ये सब है हिमाचल के पहाड़। एंड अपना पैंडा आज एक दिन में रिकॉर्ड कर गया, दिस इज नंबर 4 स्टेट दैट वी आर ड्राइविंग। उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हरियाणा, फिर पंजाब, और अभी हिमाचल। एनी को ना पहाड़ों के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। एनी कहाँ से कहाँ आ गए? शिवालिक रेंज से अभी हम लोग धौलाधार रेंज में आ गए। और धौलाधार कंप्लीट करने के बाद कहाँ जाने वाले हैं? पीर पंजल, जो कि है कश्मीर में। तो देवभूमि उत्तराखंड के बाद वंडरलॉस्ट ऑन विल पेश करते हैं देवनगरी हिमाचल। मनाली जाने के टाइम में ना अगर बीच में आपको थकावट हो जाए या फिर कहीं रुकना चाहोगे तो बहुत सारे स्टे ऑप्शन छोटे छोटे सिटीज वगैरह सब मिल जाएंगे यहाँ पे। खाने पीने का और कुछ जर्नी का टाइम में कुछ जरूरत का सामान अगर भी छूट गया है ना तो टेंशन नको रे बाबा, इधर सब कुछ मिलता है। चंडीगढ़ साइड से जब हम मनाली की ओर ड्राइव कर रहे होंगे ना तो यार बिलासपुर तक काफी सारे ट्रक्स मिलते हैं ये वाला हाईवे में। एक तो लोडेड ट्रक की वजह से ना वो इन पहाड़ों पर खींच नहीं पाते हैं, काफी धीरे धीरे चलते हैं, और ये वाला जो हाईवे है इट्स फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, जिसके वजह से उनको ओवरटेक करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। बिलासपुर क्रॉस करने के बाद ट्रक का टेंशन तो खत्म हो गया, लेकिन अभी ये बारिश का टेंशन चालू हो गया है यार। काफी तेज तरार बारिश हो रही है, कैसे तैसे करके हमें कुल्लू पहुंचा दो भोलेनाथ, फिर तो उसके बाद और बारिश का कोई टेंशन नहीं होगा अंटिल वी रीच मनाली। खून भरी मांग मूवी के बाद ये पूरा लाल लाल सा रास्ता। देखिए हम लोग सुंदर नगर के आसपास पहुंचे हैं और पूरा रेड मिट्टी वाला रास्ता। बारिश होने के बाद तो बाप रे टायर भयंकर स्लिप कर रहा है इसके ऊपर गाड़ी चलाने के टाइम। बिलासपुर के बाद आता है सुंदर नगर, विच इज कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सुंदर नगर इज ए वैली जहाँ पर आप पहाड़ से उतरकर कुछ किलोमीटर तक प्लेन पर ड्राइव करोगे एंड उसके बाद फिर से वापस पहाड़ों में। और भाई बारिश मतलब फूट रही है, लिटरली फूट रही है पहाड़ों पर। मुझे तो बस टेंशन है मंडी टू औत वाला स्ट्रेच, क्योंकि वहां पर हाईवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा था लास्ट टाइम। मंडी, औत और बाजोर क्रॉस करने के बाद फिर तो ऐसा ही बिल्कुल हाईवे मिलता है, कुल्लू का हाईवे अंटिल मनाली। हम अभी पहुंच गए हैं मंडी। मंडी से एक्चुअली दो रूट डाइवर्जन लेता है मनाली के लिए, थोड़ा आगे चलते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो मंडी के बाद मनाली पहुंचने के लिए दो रूट्स आते हैं, एक आता है आईआईटी मंडी परासर लेक वाला रूट होते हुए, और दूसरा वाला ये है हाईवे। लेकिन आजकल ना गूगल मैप डाइवर्ट कर रहा है पूरा ट्रैफिक को आईआईटी मंडी होते हुए, क्योंकि
यहाँ मंडी के बाद टिल बाजौर हाईवे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जाम लगता है। बीच में तो ट्रैफिक पुलिस लोग भी मंडी में खड़े होकर डाइवर्ट कर रहे थे ट्रैफिक उस साइड में। उस साइड का रोड ठीक है लेकिन काफी नैरो है, और लास्ट टाइम मैं 3-4 बार वहां पे ड्राइव किया हूँ, काफी बोरिंग है और नैरोनेस की वजह से ना आप स्पीड भी नहीं पकड़ पाओगे। और मेरा गाड़ी में जो फर्स्ट स्क्रैच लगा था वही रोड पे ही लगा था, तो इसीलिए मन नहीं है उस साइड में जाने के लिए। बस एक ही तो बार ये वाला स्ट्रेच कवर करना है ना। लास्ट ईयर हम लोग कसोल से रिटर्न करने के टाइम में इसी स्ट्रेच में काफी देर तक फंसे थे, रोड वाइडनिंग काम हो रहा है ना उसके वजह से अभी भी रोड वाइडनिंग वर्क चालू है। बढ़िया हो गया है, अभी देखना है कि ऑफ के बाद हमें रोड कैसा मिलता है। अरे वाह, मंडी के बाद ना लास्ट ईयर जब हम आए थे तो ये पूरा पैचेस में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, अभी ये देखिए जबरदस्त पूरा डबल लेन रोड बन गया है। मतलब मनाली पहुंचना अभी तो बहुत ही इजी बन जाएगा नेक्स्ट ईयर तक। वाह, ये वाला स्ट्रेच देखिए कैसे पहाड़ कुरेद कर बनाया गया है, ये मनाली हाईवे है, चौड़ा वाला हाईवे बनाया है यहाँ पे। भाई साहब वो देखिए कैसा ब्रिज बन रहा है, ब्रिज और ब्रिज सीधा घुस रहा है टनल के अंदर, यार मार्वलस इंजीनियरिंग, जबरदस्त। देख रहे हो रोड कैसा मनाली का बनने वाला है। अभी ये रोड को और कुछ साल बाद हम लोग बोल देंगे टाटा बाय बाय और चलेंगे वो ऊपर वाला रोड में। ये देखिए रिवर का पानी में ना सीजन के हिसाब से कितना डिफरेंस आ जाता है। लास्ट टाइम हम जब विंटर्स में आए थे तो क्रिस्टल क्लियर पानी था यहाँ पे, पूरा ग्रीनिश ब्लूइश टाइप का कोरल कलर का पानी था, और अब हालांकि कंप्लीटली मॉनसून आया नहीं है लेकिन एक दो हफ्ते में आ जाएगा, बीच बीच में बारिश तो हो ही रहा है, लेकिन समर के बाद जो ग्लेशियर का आइस पिघल कर ज्यादा पानी आ जाता है ना नदियों में, उसके वजह से अभी कलर पूरा मटमैला है। इधर से तो नहीं दिखाई दे रहा है, आगे जाके देखते हैं। अभी देखिए रोड पूरा रिवर के किनारे आ गया है, 500-600 मीटर पीछे रोड एकदम से पूरा नदी के किनारे चल रही थी। तो ये रिवर को बीज रिवर बोलते हैं या फिर वशिष्ठ भी बोलते हैं। भाई सीरियसली ये सब रास्ता ना लास्ट नवंबर तक पूरा ब्रोकन कंडीशन में था, अभी बस 7 मंथ में ये देखिए चमत्कार रोड जबरदस्त बन गया है। अगर आप इस बीच में मनाली का प्लान कर रहे हैं ना, देन आई सजेस्ट डोंट फॉलो गूगल मैप, वो जो मंडी बाजौर वाला रोड है ना IIT मंडी, वो रोड ना लेते हुए मेन हाईवे में आइए, जबरदस्त। थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच खराब है, नहीं तो बाकी का रोड तो भाई मक्खन बन गया है पूरा। भाई अब हम ड्राइव कर रहे हैं अंग्रेजों के जमाने का टनल के अंदर, ये देखो आपको 2 दिन बाद दिखाऊंगा अटल टनल वो कितना मस्त बना है, और ये वाला टनल ये इस एरिया का सबसे पुराना टनल है, लेकिन मेरे हिसाब से एटलीस्ट मेंटेन तो करना चाहिए, ऐसे भूतिया टनल बनाकर छोड़ दिए हैं, जबकि दिस इज द मोस्ट बिजीएस्ट टनल इन दिस रूट। भाई आज तो ड्राइव खतरनाक था, सुबह निकले ऋषिकेश से 4 स्टेट क्रॉस करते हुए, अभी हमारा डेस्टिनेशन और रहा बस 1 आवर मोर, मतलब यहाँ से किलोमीटर तो पता नहीं, जिम मैप दिखा रहा है कि 8 बजे तक पहुंच जाएंगे, फिलहाल हो रहा है अब एक घड़ी 7 PM। तो हम लोग एग्जैक्टली मनाली में इस टाइम नहीं रुकने वाले हैं, मनाली से थोड़ा पीछे डोबी करके एक जगह है, मनाली इज ओवर क्राउडेड, और जैसा कि हम लोग ऋषिकेश में आराम से रुके थे ना, एक पीसफुल सा एनवायरमेंट अवे फ्रॉम चायोटिक लाइफ, तो इस बार भी वही करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे रोड के साइड में ना काफी शोर शराबा है, इसीलिए आराम से होमस्टे में पहुंचते हैं और कल मैं अपना प्लान आप लोगों को विस्तारित से बताऊंगा, मतलब इलेबोरेटली। ये देखिए हमें बोर्ड में क्या दिख गया, ले इज 485 किलोमीटर मोर। ये देखो मेरा दोस्त मिल गया मुझे कुल्लू में। ओए बेटा क्या हुआ, लास्ट ईयर कसोल से रिटर्न करने के टाइम में हम लोग यहाँ पर खाना खाए थे, लंच किए थे एट कुल्लू मनाली हाईवे ढाबा। एक तो इसका एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, खाना भी बहुत ही बढ़िया है। ये मैंने इसका जो डाइनिंग वाला लोकेशन है ना ऐसा ही है, देखिए यहाँ पे डाइनिंग इधर बह रही है बीज रिवर,
जिसकी वजह से एनी को ये वाला जगह बहुत अच्छा लगा था। इस बार फिर से बोली कि चलो यहाँ से कुछ पार्सल लेते हैं और अपना होम स्टे में पहुँच कर उसको ख़त्म कर डालेंगे। ये सामने जितने भी घर दिखाई दे रहा है ना, ये है कुल्लू, नीचे बीज रिवर और बीज रिवर के ठीक ऊपर ये वाला कुल्लू मनाली हाईवे ढाबा। So finally after a day long tiring drive, we have reached our destination Dobi, जो कि just 10 किलोमीटर पहले है मनाली से। अगर आप लोग मनाली में कभी पैराग्लाइडिंग किए होंगे ना, तो वो जगह यही है। तो ये जगह के बारे में और अपने होमस्टे के बारे में मैं फर्दर डिटेल कल दूंगा, क्योंकि आज बॉस काफी थक गया हूँ। So अरे कुछ गिरा दी। So stay fit, stay safe, टाटा।